नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में। इस समय हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के वेस्ट के सेक्टर 3 में और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव में यहाँ के रेजिडेंट जी रहे हैं। अभी बातचीत करेंगे हम, काफी रेजिडेंट्स हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे कि किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, प्राधिकरण से किस तरह का सहयोग उनको मिला। आइए जानते हैं क्या समस्याएं हैं। देखिए यहाँ रेजिडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीलम यादव है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि अगर अथॉरिटी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती थी, जैसे सीवर की कनेक्टिविटी या फिर सेक्टर का मेन रोड से कनेक्टिविटी, रोड नहीं बनी हुई है, गार्बेज कलेक्शन, तो फिर उसको प्लॉट काटना नहीं चाहिए था। अब ये अलग मैटर है कि ये बीच बीच में मिट्टी के टीले हैं, इसके लिए किसानों से बात करेंगे, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये प्लॉट जो अलॉटिंग हुई थी उससे पहले ये बातें पहले से प्री डिसाइडेड थी, तो आपको प्लॉट काटने नहीं चाहिए थे क्योंकि फेस हम कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने, अथॉरिटी ने इस पे पेनल्टी क्लॉज भी रखा कि अगर हम इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते हैं तो पेनल्टी भी लगेगी। तो जब आप हमें सुविधाएं नहीं दे रहे हैं तो आप पेनल्टी कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? और अगर किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है कोई अथॉरिटी का अधिकारी, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी क्या बनती है? जैसे गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, हमने अगर 10 बार कंप्लेन कर दी तो जो उससे रिलेटेड अधिकारी है उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी बन रही है वो हमें नहीं पता चलता है। आपने बोल दिया कंप्लीशन बना होना चाहिए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्रॉपर्टी ले करके उस पर कंस्ट्रक्शन करवा लिया और उसको छोड़ दिया, जिसपे झाड़ जंगल बन गए, चोर और सब भी उसमें रहने लग गए, अनऑथोराइज लेबर रहने लग गई। इन सब चीज़ों के लिए या तो ओनर है उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए या अथॉरिटी पे पेनल्टी लगनी चाहिए। उसके लिए दूसरों की करतूत का भुगतान हम क्यों करें? बस देखिए, मूलभूत सुविधाएं सभी के लिए जरूरी होती है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन यहाँ के निवासी जो मूलभूत सुविधाएं उनके अभाव में जीवन बिता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मैं मेजर AK शर्मा, रिटायर्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोकेशन जिस पे इस वक्त हम खड़े हैं, उपस्थित हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट लोकेशन है कि जो पड़ोस में हमारी सोसाइटी है सेक्टर 1, ये सेक्टर 3 है। तो सेक्टर 3 जो है ये ऐसा इलाका है जो रेजिडेंशियल इलाका हम कहते हैं, यानी कि यहाँ ज़मीनों के रेट भी बढ़ गए और यहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ के दुख इस बात का है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, आदमी मकान बनाता है अपना, मैं अगर गलत नहीं तो शायद ये 2 करोड़ से ऊपर का मकान बन रहा होगा आज की तारीख में, वो आदमी पता नहीं कौन होगा जो 2 करोड़ का टुकड़ा लेके बनाएगा। एनीवेज, तो जो इस वक्त मकान बने हुए हैं, तो जब आपने एक देखा कि इस पॉकेट के अंदर ही एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, आसपास नहीं, आसपास तो हाईवेज बने हुए हैं और स्काई हाई टावर्स हैं। तो इस लोकेलिटी का जो है गाजियाबाद अथॉरिटी को बहुत सिंसियरली ध्यान देना चाहिए कि ये बीच में एक वैली के अंदर एक सोसाइटी बनी, पहाड़ों के बीच में जैसे वैली होती है, तो इट्स ए सोसाइटी बिटवीन, इट्स ऑन वैली, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी जो है, ये हमारी अथॉरिटी जो है, दे आर जस्ट गिविंग ए डीप ईयर टू इट, वो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट्स हाइजीनिक कंडीशंस और इसकी सड़कें ठीक से प्रॉपर। भाई सड़कें बनाने में क्या बात है, लोग आ गए, बस गए, बसावट हो गई। आप कम से कम सड़कें बनाइए, कम से कम इसमें गेट होने चाहिए ताकि सिक्योरिटी हो। जब गेट नहीं होंगे तो यहाँ पर लोगों ने इतने पैसे खर्च करके, मैं नहीं मानने को तैयार कि इस पर 50-60 लाख से नीचे का खर्चा हो रहा होगा मिनिमम। तो मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि दिस लोकेशन इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ये बीच में है। अगर इसका, अगर हम अथॉरिटी अगर इसकी सजावट नहीं कर सकते, सड़कों को तो देख रहे हैं हम, सड़कें चौड़ी हैं और टैक्सी ट्रैक भी साथ में सड़कें बन रही हैं, 400-400 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी, लेकिन अंदर की जो गलियां सड़कें हैं वो नज़रअंदाज की जा रही है। उस तरफ ध्यान अगर होगा तो यहाँ लोग भी खुश होंगे कि भाई अथॉरिटी कुछ कर रही है। कहने के लिए गारंटी बोलते हैं आज की तारीख में, भाई गारंटी है, गारंटी ये है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, आपने सड़कें तो बना दी लेकिन पीछे गड्ढे कर दिए, तो इट इज जस्ट लाइक ए गड्ढा इन द सोसाइटी। थैंक यू सो वेरी मच। मैम आपका नाम क्या, कब से आप यहाँ रह रही हैं? मैं यहाँ 2.5 साल से रह रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी सुविधाओं के बारे में? त्रिशा यादव है। सुविधाओं के बारे में तो कुछ मतलब कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है, सारे सीवरेज जाम है, जिसके वजह से पानी रुक जाते हैं और
हेल्थ इश्यूज आ रही है। जब हम लोगों ने ये प्लॉट लिया था तो अथॉरिटी ने सब चीज़ का अलग से चार्जेस लगाया था, ग्रीन बेल्ट का अलग से, पार्क का अलग से, रोड जैसे 20 मीटर रोड है, बट कोई भी सुविधा नहीं है। अभी हमारे घर के आगे बताया गया था ये 20 मीटर रोड मतलब कनेक्टिविटी हो जाएगी मेन रोड से, बट वहाँ टीला वैसा का ही वैसा है। अब वो किसान का मुद्दा और अथॉरिटी का, इसमें तो पीस हम लोग रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और यहाँ हेल्थ गंदगी के वजह से हेल्थ इशू हो रहा है, सिक्योरिटी इशू इतना है कि हम अपने बच्चों को रात में या मैं खुद ही अकेले नहीं जा सकती हूँ क्योंकि यह कंप्लीशन बना है, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि मतलब सबसे पहला तो मुद्दा है कि ये जो गंदगी यहाँ रहता है, सिक्योरिटी है, उसके बाद सीवरेज का प्रॉब्लम का समाधान किया जाए। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? क्या मेरा नाम ये 2 साल हो गए, 2-3 साल। क्या कहना चाहेंगी? कहना जैसा कि सर ने बोला, मैम ने बोला और लोगों ने बोला, सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए सीवर सारे ब्लॉक हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती। अब नालियाँ साफ़ नहीं होंगी, सीवर की सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? मच्छर होंगे, मच्छर होते हैं, डेंगू मलेरिया, घर घर बीमारियाँ फैल रही हैं। रोड नहीं बनी हुई, आप क्या करते हो? बाहर से पॉलिश करने से अगर सेक्टर चमक जाएगा तो ऐसे नहीं होगा। आप बाहर बाहर की जी हम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मेन सर्विस रोड की, आप सेक्टर के अंदर आइए, सेक्टर 3 सी में, मेन तो मैं सी की बात कर रही हूँ, मैं सी में रहती हूँ। कोई रोड की कनेक्टिविटी है ही नहीं, है ही नहीं। हम लोग स्कूटी लेके निकलते हैं, इतना कीचड़ रहता है, गिर जाते हैं, कई लोग गिर चुके हैं, चोट लग चुकी, बच्चे हैं खेलते हैं, ना पार्क का डेवलपमेंट है, ना कोई चीज़ है। पार्क का तो कहूँ कि चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत काम होता रहता है, रोडों पे कुछ भी नहीं है, ना गार्बेज, यहाँ सफाई नाम की चीज़ नहीं है। मच्छर इतने ज़्यादा हैं, बच्चे घर से निकले तो कैसे निकलें? अगर डेंगू होगा मलेरिया उसके कौन जिम्मेदार होगा? घर आदमी लेता है कि चलो घर ले लिया, यहाँ अनऑथराइज लोग भी रहते हैं, खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं, अनऑथराइज लोग रह रहे हैं, लेबर क्लास रह रही है हर घर में, हर चौथे पाँचवें घर में पाँचवें दिन सुनाई देता है चोरी हो गई। दिन में भी चोरी होती, रात में भी चोरी होती, मतलब हो क्या रहा है? सेक्टर है तो प्रॉपर एक गेट होना चाहिए, सेक्टर में सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक आदमी को चाहिए ही, जो एक बेसिक नीड है जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। घर घर सीवर भर जाते हैं, जी सीवर वाली सफाई हो गई, फिर क्या प्रॉब्लम है? रोड क्यों नहीं बना रहे आप? दिक्कत बताइए, हर घर से हमें लगता है पैसा जाता होगा क्योंकि कंप्लीशन सारे घर ऑलमोस्ट बन चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जब मैंने जमीन ली थी तो घर नहीं थे, बहुत कम थे, लगता था जंगल है, लेकिन 2 सालों में अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं। तो सुविधाएं भी उसी हिसाब से आ जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन सुविधाएं नहीं आई। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, अथॉरिटी को पता नहीं है या वो वहाँ के अधिकारी आते नहीं, यहाँ संज्ञान नहीं ले रहे कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैंने जो ये बोले हैं या सर ने जो बोला है, मैम हम यहाँ के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन्होंने बोला है, तो ये हमारी बात उन तक पहुँचनी चाहिए और यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। मैम आप कब से रह रही हैं? क्या नाम है आपका? हाय, माय नेम इज़ विजेता एंड आई एम स्टेइंग इन सेक्टर बी। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक रिलेटेड विद द चैलेंजेस ऑफ दिस सेक्टर। ऑलरेडी मेरे नेबर्स ने और मेरे सोसाइटी के सारे मेंबर्स ने ऑलरेडी मतलब डिस्कस करा है रिगार्डिंग देयर इशूज़ एंड चैलेंजेस। तो सेम चैलेंजेस मुझे हम लोग, मैं भी यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स से रह रही हूँ, तो मुझे यही सारे चैलेंजेस मैं भी फेस कर रही हूँ रिगार्डिंग दी सीवर। सीवर यहाँ पे मतलब मैं 1 साल हो गया मैं को यहाँ पे, मैंने सीवर के लिए कोई सफाई करते हुए आया नहीं। मेरे घर के सामने एक सीवर है, वहाँ पे भी मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गाड़ी आई हो वहाँ पे सीवर का सफाई किया हो। उसके अलावा ना यहाँ पे रोड सही है, रोड के लिए यहाँ पे कोई मतलब देखता नहीं है यहाँ पे। बाकी आप देख रहे हो कि बाहर जो सर्कल्स हैं, मेन रोड के जो सर्कल्स हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे आप अच्छा प्लांटिंग कर रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो, लाइटनिंग कर रहे हो, यहाँ पे NPCL वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। आए दिन हर अल्टरनेटिव डेज पे यहाँ पे लाइट का इशू रहता है। हम ग्रुप में भी लिखते हैं कि आज इस ये स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, आज ये स्ट्रीट लाइट नहीं वर्क कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे चोर जो कि आए दिन यहाँ पे फ्रंट एरिया है, जो बी ब्लॉक का जो फ्रंट साइड है वहाँ तक पे भी चोरी होती है। मेरे घर के 4 घर छोड़ने के बाद वहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले चोरी हो गई थी, सारा सामान उठाकर ले गए थे वहाँ पे, यहाँ तक कि वायरिंग तक निकाल कर पूरी लेके चले गए। उसके अलावा यहाँ पे मेन इशू है गार्बेज, जो गार्बेज वैन आती है वो यहाँ पे नहीं आती। सेक्टर ए में आती है डेली 9-10 बजे के बीच में आ जाती है, लेकिन हाँ यहाँ पे बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक में गार्बेज वैन नहीं आती है। हफ्ते में 1 बार आएगी, जब आप मतलब 2-3 बार आप अगर उनको पोक करते हो ग्रुप के अंदर तब गार्बेज वैन आती है, वो भी 2-3 बजे। अगर उनसे बोला जाता है कि आप रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं आते हो, तो बोलते हैं वी हैव ओनली वन वैन
और हम सेक्टर ए में आते हैं और यहाँ पे हम 2 से 3 बजे के बीच में आते हैं। अब आप एक बात, अगर कोई वर्किंग बंदा है वो क्या 2 बजे 3 बजे तक बैठा रहेगा गार्बेज वैन का वेट करेगा? एक स्पेसिफिक टाइम भी होना चाहिए ना वैन का कि इतने बजे आके अपना कूड़ा उठाओ। तो मेन जो मेजर इश्यूज़ हैं वो गार्बेज का है, नालियों का है, जो यहाँ पे नालियाँ नहीं साफ होती हैं, रोड का है, चोरों का है, जो और यहाँ पे जो कम्युनिटी गेट्स होते हैं वो होने चाहिए, सेक्टर के गेट्स होने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। सो दीज आर द मेजर इश्यूज विच वी यू नो अथॉरिटी हैज टू सी दिस थिंग्स एंड दे हैव टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। तो देखिए, हमने काफी रेजिडेंट से यहाँ बातचीत की, समस्याएं तो काफी हैं लेकिन उनका समाधान जो है वो दूर दूर तक अभी होता नजर नहीं आ रहा। हम उम्मीद करेंगे जो संबंधित अधिकारी है वो यहाँ जो सेक्टर है इसकी समस्या को संज्ञान में लेंगे और उनका निवारण जल्द से जल्द करेंगे। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं।